अच्छे इंग्रेडिएंट्स और अच्छी स्टाइलेबिलिटी वाली बेस्ट वैक्सेस 2021 के अंदर इंडिया के अंदर आखिर कौन सी हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी हेयर वैक्सेस, हेयर क्लेज इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुई हैं। अब इनमें से रैंक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया और आपको भी समझ नहीं आता होगा कि आखिर कौन सी लें कौन सी नहीं, लेकिन आज हम इनको रैंक करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टाइलेबिलिटी, और देखते हैं कि सबसे अच्छी वैक्स इनमें से कौन सी निकल के आती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को। तो पांचवें नंबर पर निकल के आती है अर्बन गबरू की रेबेल हेयर वैक्स, जिसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छे हैं, प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी हेयर वैक्स है और क्ले हेयर वैक्स है तो रीस्टाइलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है, होल्ड इसका काफ़ी ठीक है, एक मीडियम होल्ड आपको देती है और साथ में एक अच्छी नेचुरल फिनिश भी देती है। तो अगर आप ऐसी हेयर वैक्स लेना चाहते हैं तो फिफ्थ नंबर पर है अर्बन गबरू की रेबेल हेयर वैक्स। और चौथे नंबर पर आती है डैपर की एडवांस्ड हेयर पोमेड। यार ये बहुत अच्छा हेयर पोमेड है, अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जो आपको थोड़ा अच्छी शाइनी फिनिश दें तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ना इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, ये 750-700 रुपीज़ का आपको पड़ेगा, लेकिन ये वर्थ इट है अगर आप एक शाइनी प्रोडक्ट चाहते हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हों, बहुत नरिशिंग हो। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, एवोकाडो ऑयल और ऐसे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और बिल्कुल भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं डाले गए हैं। तो अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है। तीसरे स्थान, तीसरे पैदान पे आती है मैन आर्डन की हेयर वैक्स। यार ये बहुत ज़्यादा बढ़िया हेयर वैक्स है, क्योंकि जिस बजट में ये आती है उसमें तो यार ये बहुत ही कमाल का काम करती है और मैन आर्डन एक काफ़ी उभर के आई है ये कंपनी, उनका प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। नाउ ये एक हेयर वैक्स नहीं है, ये एक फाइबर वैक्स है और इसके अंदर इनका प्राइस बहुत अच्छा है, 350-400 आपको पड़ेगी, डिपेंडिंग आप कहाँ से लेते हैं और क्या ऑफर्स चल रहे हैं उस टाइम पे। उसके अंदर ये आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड देगी, यार बहुत ही बढ़िया होल्ड मिलता है आपको, खासकर आपके मीडियम लेंथ हेयर हैं तो ओहो बहुत तबाही होल्ड देने वाली है ये हेयर वैक्स, और ऐसे में काफ़ी अच्छा बजट ऑप्शन बन जाता है। नाउ मैं सेकंड बेस्ट ऑप्शन बताऊं, उससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि आप हेयर प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, कब कब करने चाहिए, कितने करने चाहिए, क्योंकि सबके बहुत ज़्यादा अपोजिंग व्यूज़ हैं, कोई आपको बोलता है प्रोडक्ट यूज़ करो, कोई बोलता है नहीं करो, और इसमें आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो फिर ये वीडियो ज़रूर देख लेना, आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा और साथ में एंड स्क्रीन के अंदर भी आ जाएगा। सेकेंड नंबर पे है एक टाई, ये डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। अगर आप एक शाइनी फिनिश वाला हेयर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं उस तरह स्ट्रॉन्ग होल्ड वेट लुक वाले हेयर वैक्स के साथ, ये काफ़ी अच्छा हेयर वैक्स है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको काफ़ी अच्छे देखने मिल जाते हैं, कोई सल्फेट्स पैराबिन यूज़ नहीं किए हैं, ज़्यादा केमिकल्स यूज़ नहीं किए हैं, और ऐसे में अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको वेट लुक ये भी देता है और इसका प्राइस भी आपको 350-400 ही पड़ता है। तो अगर आप एक हाई होल्ड शाइनी फिनिश हेयर प्रोडक्ट चाहते हैं थोड़े बजट के अंदर, देन ये आपके लिए बेस्ट पेट है। लेकिन यहाँ जो टाई हुआ है वो है दूसरा ऑप्शन, जो अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी मैट फिनिश हो और आपके बाल थोड़े थिक लगे, थोड़े अच्छे लगे, उनके अंदर टेक्स्चर लगे, तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए है बियर्डो की क्रीम स्टाइलिंग पावर हेयर वैक्स। ना ये बहुत अच्छी हेयर वैक्स है, क्योंकि ये बालों के अंदर बहुत ज़्यादा थिकनेस ऐड कर देती है और बालों को बहुत ज़्यादा थिक बताती है, बहुत ज़्यादा हाई टेक्स्चर्ड बताती है। अगर आप ऐसे लुक के साथ जाना चाहते हैं, अगर आप ऐसे लुक्स प्रेफर करते हैं तो ये बहुत अच्छी आपको लगने वाली है, इससे अच्छे हेयर वैक्स आपको नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर। बियर्डो की क्रीम स्टाइलिंग हेयर वैक्स तरफ आप जा सकते हैं, 350-400 के बीच में ही पड़ती है, कभी कभी डिस्काउंट चल रहा होता है तो 330 रुपीज़ की भी पड़ती है, तो देखो जब आपको थोड़ा डिस्काउंट में मिल रहा हो तब ज़रूर इसको बाय कर लेना। लेकिन वहीं आती है नंबर वन हेयर वैक्स, वो है स्क्वार्स पॉफ प्रोफेशनल की हेयर वैक्स। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया हेयर वैक्स है, क्योंकि इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, ये बहुत हाई क्वालिटी हेयर वैक्स है, इसकी पैकेजिंग से लेके इसकी फिनिश से लेके इसकी स्मेल सब कुछ टॉप नॉच आपको मिलती है, इसलिए इसका प्राइस भी थोड़ा हायर है। आपको एक हायर जो है प्रीमियम हेयर वैक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, और इसके इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं तो आपके बालों को कुछ खास हार्म नहीं करने वाला है, ये आपके बाल भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हैं कि हेयर वैक्स को कितना यूज़ करना चाहिए, कब कब यूज़ करना चाहिए, तो ये वीडियो स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको ज़रूर देख लेना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि बहुत सारे अपोजिंग व्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करने में मदद करेगा। खैर यही था आज के वीडियो के लिए, 5 वैक्स आप देख सकते हैं, उनमें से जो खरीदनी है खरीद लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।